खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी से घर में रहने की अपील की गई है। लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान BHU IIT ने बेल्ट, पर्स, चाबी और घड़ी को सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन बनाई है और इस मशीन से छोटे से छोटी चीज़ें सैनिटाइज हो जाएंगी। किस तरह से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब बेल्ट, चाबी, घड़ी और पर्स भी होगा सैनिटाइज। माइक्रोवेव लेगा कोरोना वायरस से लोहा। BHU IIT ने बनाई सैनिटाइज मशीन। मशीन से निकलती है अल्ट्रा वायलेट किरणें। किरणों से मरता है कोरोना वायरस। जरा इस तस्वीर में दिखाई दे रहे माइक्रोवेव को देखिए। ये कोई साधारण खाना गर्म करने वाला माइक्रोवेव नहीं है और ना ही इसमें गर्मी पैदा करने वाला एलिमेंट लगा है, बल्कि इस माइक्रोवेव के अंदर अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं, जिससे कोरोना वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इस अनोखे माइक्रोवेव से कोरोना वायरस को मारने की योजना है। इसे BHU IIT में बनाया गया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान लोग अपने कपड़ों पर लगी धूल साफ कर लेते हैं, शरीर को सैनिटाइज भी कर लेते हैं, लेकिन पर्स, बेल्ट, चाबी या जूते सैनिटाइज नहीं हो पाते हैं और कोरोना वायरस घर में घुस जाता है, जिसके बाद एक एक कर घर के सभी सदस्यों को अपनी चपेट में ले लेता है। घर में आने के बाद खुद को सैनिटाइज करने के बाद अब इन छोटे छोटे सामान भी सैनिटाइज हो जाएंगे, जिससे कोरोना वायरस घर में नहीं घुस पाएगा। BHU IIT में बनी यह मशीन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए BHU IIT के साथ मिलकर काम करने वाले गौरव ने एक माइक्रोवेव की तरह एक मशीन बनाई है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे से वायरस का खात्मा का दावा किया है। इस तरह काम करती है मशीन। इस मशीन को बनाने में केवल 2 से 3 दिन लगा है। ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोरोना के वायरस को मार देगी। ये मशीन सी कैटेगरी की अल्ट्रा वायलेट किरणें छोड़ती है, जो कीटाणु और वायरस के लिए खतरनाक होती है। कोई भी वायरस इसमें 10 से 15 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकता। इस मशीन में एक पंखा भी लगा है, जो वायरस को रोटेट करके किरणों के पास लाने का काम करता है। मशीन में अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए 2 लाइट लगी है। साथ ही इसमें टेम्परेचर और सेलेक्टर के माध्यम की सेटिंग की जा सकती है। बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इस कोरोना वायरस के दौर में संक्रमण से बचने के लिए आप अपने स्नान कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, कपड़ों को साफ कर सकते हैं साबुन से, लेकिन उन चीज़ों को जो आप धो नहीं सकते, जैसे पर्स हुआ, मोबाइल हुआ, चश्मा हुआ, घड़ी हुआ, पेन हुआ या कार की चाबी हुई, उसको कैसे सैनिटाइज करें, ये बड़ी समस्या है। और आप जानते हैं कि मोबाइल आजकल बच्चों को बहुत प्रिय है। जैसे ही आप घर में ले जाते हैं तो बच्चों से कहीं भी टच कराते हैं, तो सेफ्टी के लिए सोचा गया कि ये नया वायरस है, ज़्यादा खतरनाक वायरस है, तो ये जाके माइक्रोब को किल कर देगा। अच्छा, अब ये है कि कोने कोने तक पेनिट्रेट करे यूवी, तो इसलिए चारों तरफ से उस पर यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होना चाहिए, और साथ में इसमें एयर सर्कुलेशन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे प्रॉपरली जो भी सामान हम रखें उसे विभिन्न जगहों पर जा करके ये इंश्योर कर ले कि उसका किलिंग कंप्लीट हो गया, इनएक्टिव हो गया। और इसमें बहुत ज़्यादा देर की जरूरत नहीं, चूँकि इसमें टाइमर भी लगा है, तो आप अपने को इफेक्ट से बचा सकते हैं कि आपने खोला, सामान रखा और उसके बाद टाइमर सेट कर दिया कि 5 मिनट का टाइम आपने दे दिया, तो प्रॉपरली 5 मिनट में उसको सैनिटाइज करके अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये मशीन अल्ट्रा वायलेट रेज की पद्धति पर काम करती है, जो सी कैटेगरी की रेज का निर्माण करती है और वायरस को खत्म करने में कारगर है। वायरस को खत्म करने के लिए 1200 माइक्रोवाट पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर डोज देते हैं, जिससे वायरस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मशीन में ज्यादा सेफ्टी के लिए इसे 400 माइक्रोवाट पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर का डोज दिया जा रहा है।
अल्ट्रावायलेट रेज को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसमें पर्याप्त संख्या में अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पंखे का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि पंखे की वजह से बचे हुए कीटाणु को खींच कर मारा जा सके। ये मशीन ऑटोमेटिक है और टाइमर के जरिए काम करती है। निर्धारित समय में मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और चीजें सैनिटाइज। मैंने एक यूवीसी सैनिटाइजर, जिसको स्टेलाइजर बोलते हैं, उसको डेवलप किया है और उसको मैंने ये सोच कर डेवलप किया कि आप जैसे देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं कोरोना के खिलाफ लगे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, पुलिस ऑफिसर, सफाई कर्मी हैं और दूसरे भी समाजसेवी संस्थाएं के लोग जुड़े हुए हैं। इस एक्सेसरीज में आपके पास पर्स है, मोबाइल है, पेन है, रिस्ट वॉच है, बेल्ट है, ये हम नहीं धुलते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया का घर होता है बिल्कुल। और इनको सफा करने के लिए ये इस तरीके की मशीन की हमने आविष्कार किया है। BHU IIT ने अब इसे बड़े पैमाने पर मार्केट में लाने के लिए पहल शुरू कर दी है। ये कम लागत में बनाई गई वह मशीन है जिससे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।